अभी तक आपने सुना होगा कि छात्र देश के भविष्य होते हैं, मुस्तकबिल होते हैं छात्र। पढ़ने लिखने से ही आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, यही आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। पढ़ लिख कर ही आप खुद को एक अपनी पहचान बनाते हैं, अपने आप को साबित करते हैं कि आप एक भले इंसान हैं और देश का भला कर सकते हैं। मगर योगी सरकार में जेल मंत्री ने इस थ्योरी को ही पलट दिया। शिक्षा के एक मंदिर में पहुंचकर उन्होंने कहा कि पढ़ाई जो लिखाई है वो किसी काम की नहीं है। रिपोर्ट के जरिए आप खबर देखिए। लीडर को पढ़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं, नेता कोई पढ़ा लिखा हो इसकी उसको आवश्यकता नहीं। हमें लगता है नशे में चूर। तो सुना आपने, कोई जरूरत नहीं पढ़ने लिखने की। बंद कर दीजिए स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को। खत्म कर देना चाहिए सरकार को शिक्षा के बजट को। और ये कोई आम आदमी नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री जय कुमार जैकी साहब। समाज को जाहिल बनाने की मुहिम का प्रवचन ये उस जगह दे रहे थे जहां पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। और मंत्री जी के पास इसका क्या खूब तर्क भी है। एक समाज में व्यापक तरीके से गलत तरीके का माहौल पढ़े लिखे लोग पैदा करते हैं। लीडर को पढ़ना लिखने की कोई जरूरत नहीं, नेता कोई पढ़ा लिखा हो इसकी उसको आवश्यकता नहीं। नेता को तो जब मैं मंत्री हूं, मेरे पास उसका निजी सचिव होता है, स्टाफ होता है, विभाग होता है, उसके विभागाध्यक्ष होते हैं। जेल मुझे थोड़ी चलानी है, जेल के अधीक्षक बैठे, जेलर बैठे, इन्हें चलानी। मुझे तो जेल में ये कहना है खाना अच्छा बनना चाहिए, जेल का प्रबंध कैसा हो। नेता विजनरी होना चाहिए, नेता का पढ़ना और उसके ज्ञान और उसके डिग्री से कोई मतलब नहीं। लीडर का मतलब विजनरी होना चाहिए। तो जब हमारे ऐसे रहनुमा हो फिर तो बेड़ा पार ही समझिए, कोई सवाल भी मत कीजिए, क्योंकि मंत्री जी नाराज हो सकते हैं, मानहानि का केस कर सकते हैं। मगर मंत्री जी को उन बच्चों और युवाओं का जवाब तो आपको दिखा ही सकते हैं जिन्होंने मंत्री जी को जवाब दिया। हाँ, प्रदेश जो मंत्री उन्होंने बहुत गलत बोला है। मैं प्रदेश मंत्री से एक ही सवाल करूँ, क्या उनके घर में जो बहन बेटियाँ जो पढ़ाई लिखाई कर उनकी वो भी किसी न किसी स्टूडेंट है? वैसे जो उनका बयान दिया गया है मुझे नहीं लगता बिल्कुल ही खराब बयान है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वही देश को चला पाएंगे। ये किस तरह की वादे हो रही हैं, मतलब कि पढ़ने लिखने से कुछ होता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें बता दीजिए। जो बोले वो हम लोग करें। पढ़ने लिखने वाले हमेशा गुलामी नहीं करते हैं सर। जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो पढ़ेगा कैसे, यही है। मंत्री जी बयान बहुत गलत दे रहे हैं। बच्चों का ऐसा जवाब आना बहुत स्वाभाविक था, मगर मंत्री जी के इस बयान पर राजनीतिक गलियारे में खूब हंगामा मचा। सवाल उठा कि किसने इन्हें मंत्री बना दिया, कहां से तुम पढ़ लिख करके आए हो, कैसे पढ़ लिख करके आए हो, किसने तुम्हें मंत्री बना दिया है? क्या योगी सरकार ऐसे ही मंत्रियों को अब चिन्हित करेंगे और बनाएंगे मंत्री उनको? उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में इस तरीके का मंत्री बना रहना भी खतरनाक है, गड़बड़ है। शिक्षा से ही सब कुछ हासिल होता है, बड़े बड़े परिवर्तन भी शिक्षा से हुए हैं। मगर इन सबके बीच हैरत की बात यह है कि मंत्री जी ने अभी तक अपने बयान को न वापस लिया है, न ही इस पर माफी मांगी है, न ही सफाई पेश की है, और न ही उनके पार्टी के किसी नेता ने इसका खंडन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।